नमस्कार दोस्तों, दुनिया में आज भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। ऐसी ही एक अजीब बीमारी मोरक्को की रहने वाली फातिमा गाजेवी को है। फातिमा स्किन संबंधी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके कारण उसे करीब 20 सालों से अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो हेलमेट पहना जाता है वो उसे अपने सिर पर लगाए रखना पड़ रहा है। दरअसल फातिमा को रेयर स्किन डिजीज जेरोडेर्मा पिग्मेंटोसम की समस्या है। इसकी वजह से उसे बीते 20 सालों से हेलमेट पहनकर रहना पड़ रहा है। बताते कि फातिमा बिना हेलमेट पहने घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि उसे अपनी स्किन को सूर्य की किरणों से बचाए रखना होता है। जब फातिमा 13 साल की थी उस वक्त उसे ये बीमारी हो गई थी। धूप में निकलने से फातिमा की स्किन को सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से नुकसान पहुंच सकता है और उसका शरीर खुद पर खुद उसे ठीक नहीं कर पाता। विशेषज्ञों के मुताबिक फातिमा को जो बीमारी है वो असल में एक जेनेटिक समस्या है। इस बीमारी के तहत चेहरे की कोशिकाएं खुद को रिपेयर नहीं कर पाती, इसलिए धूप से बचे रहना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्थिति में अगर फातिमा का चेहरा धूप के संपर्क में आया तो उसे स्किन या फिर आँखों का कैंसर हो सकता है। यही कारण है कि धूप से बचे रहने के लिए फातिमा दिन में सोती है और रात को ही घर से बाहर निकलती है। अपनी इस बीमारी की वजह से फातिमा सिर्फ 13 साल की उम्र तक ही स्कूल जा सकी और फिर उसने अपनी बाकी की पढ़ाई घर पर रहकर ही पूरी की। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।